the book of class 9 mathematics, and of this time I am solving exercise 4.6. Students, 4.6 का question number 1 करवा रहा हूँ. Find the remainder. Remainder मालूम करना है by using remainder theorem. Remainder theorem की मदद से. यह हमारे को x minus 1, यह हमारा divider है, यह हमारा divisor है x minus 1, और यह हमारा जो है dividend है. तो हम पूरे क्वेश्चन को p into x के बराबर ले लेंगे students. P into x बराबर है x cube minus 6x square plus 11x minus 8 के. इस पूरे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, इससे x minus 1 से डिवाइड करेंगे. ओके, लेकिन यहाँ पर x minus 1 ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंट है. दिस इज डिविडेंट, दिस इज डिवाइजर. x minus 1 को स्टूडेंट्स हम 0 के बराबर ले रहे हैं, और यहाँ पे एक माइनस वन इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा. अब हम इस पूरी पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स आ रहा है उधर उधर वन पुट कर देंगे. एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? वन, क्योंकि एक्स बराबर है वन के. तो यहाँ पर हम पी इंटू एक्स, ये एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? वन. वन बराबर है, इस एक्स की जगह भी स्टूडेंट्स वन पुट कर दिया. माइनस सिक्स उतारा, इस x की जगह हमने 1 पुट किया और ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया. प्लस 11 उतारा, इस x की जगह भी 1 पुट कर दिया और माइनस का 8. नाउ स्टूडेंट्स, ये p into 1 को एज इट इज नीचे उतारा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ये. और ये 11 वन जा 11, प्लस उतारा 11 मंजा 11, और ये माइनस का 8. ना स्टूडेंट्स, प्लस वाई टर्म्स एक साइड पे कर देते हैं, जो प्लस की टर्म्स है, जैसे प्लस 1 और प्लस 11 एक साइड पे कर दिया, और माइनस वाई टर्म्स एक साइड पे कर देंगे, माइनस 6 और माइनस 8. ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर p into 1 बराबर हो जाएगा, 11 और 1 को प्लस करेंगे तो 12 होगा, और माइनस 6 और माइनस 8 कितना होगा? माइनस 14. ना स्टूडेंट्स, p into 1 ये चीज बराबर हो जाएगी, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? माइनस 2. और यही हमारा आंसर है. सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. स्टूडेंट्स, मैं फिर से समझा देता हूँ, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हमने नीचे उतारा और इस पूरे क्वेश्चन को हमने पी इंटू एक्स के बराबर ले लिया. इसको एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना था, मगर यहाँ हम डिवाइड नहीं करेंगे. यहाँ x की वैल्यू जो माइनस 1 है, इसको इक्वल को उधर लेगा तो प्लस 1 हो गई. ये डिवाइजर था x माइनस 1, इसी को मैंने यहाँ पे उतारा और माइनस 1 को इक्वल को उधर लेगा तो प्लस 1 हो गया. अब ये प्लस 1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x आ रहा है उधर उधर x की जगह 1 पुट कर देंगे. 1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे x की जगह. तो मैंने यही किया, x की जगह 1 लिखा, यहाँ x की जगह 1 लिखा, इस x की जगह 1 लिखा, इस x की जगह 1 लिखा. यहाँ पे 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 मतलब 6 हो गया, 11 मतलब 11 माइनस 8. ना स्टूडेंट्स, प्लस 1 और प्लस 11 के एक्साइड पे गया, माइनस 6 माइनस 8 के एक्साइड पे गया, 11 और 1 12 हो गए, माइनस 6 माइनस 8 14 हो गए, 14 में 12 माइनस किया माइनस 2 आया. तो यही हमारा माइनस 2 हमारा आंसर है, हमारा रिमाइंडर है. सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. और स्टूडेंट्स, इसका इसके थोड़े से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा. ओके, खुदा हाफिज़.